हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सेक्शन बी का। हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट क्लास, ठीक है। ये इंग्लिश की कोर्स बुक है हमारी, तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। इसमें हमें बस बताया गया है कि ये एक स्टोरी है, कहाँ की, फ्रेंच में एक स्टोरी थी, ऐसी एक फ्रेंच की स्टोरी है ये, ठीक है। तो वो समय कौन सा था जिस समय ये एक पूरी इवेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो वो इवेंट कब हुआ था, 1870 to 1871 में, ठीक है। उस समय क्या हुआ था ना कि फ्रांस और पर्शियन दो जगहों के लोगों में वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी। और उस वॉर में लगभग पर्शियन, जिन्हें जर्मन भी कहा जाता है, ठीक है, पर्शियन जिन्हें जर्मन भी कहा जाता है, वो जीत गए। और तब से, जब से वो जीते, तो वो फ्रेंच को अपना गुलाम बना के रखने लगे। और उनके स्कूलों में क्या कर दिया कि पहले वो फ्रेंच भाषा सीखा करते थे सारे फ्रेंच वाले लोग, अब उन्हें जर्मन भाषा सिखाने लगे ये सारे पर्शियंस, ठीक है। तो यही हमें बताया गया है इस चैप्टर में, डिस्क्राइब किया गया है। आई वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड स्पेशली एट मॉइस्चर। तो उस दिन मैं बहुत ही लेट हो गया था स्कूल के लिए, लेट हो गया था। आपकी बुक में इस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन दिया है मिस यू, ठीक है। तो मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था, ठीक है। हैमल सर जो थे उनके, उन्होंने बोला था हमसे, क्या बोला था कि वो हमें आज पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाएंगे, फ्रेंच में ग्रामर के पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाएंगे। और पार्टिसिपल्स के बारे में तो मुझे ज़रा भी कुछ पता नहीं था, वो हमसे पूछेंगे, ठीक है, हमें एग्ज़ाम करेंगे उस चीज़ के बारे में। एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं तो कहीं निकल पड़ता हूँ, स्कूल वूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं खेतों में निकल पड़ता हूँ, फील्ड्स में, क्योंकि बहुत ही अच्छा और लवली सुहावना दिन था उस दिन। तो उसने सोचा कि चलो यार, ये स्कूल वूल छोड़ते हैं और अपना कहीं घूम फिर के आते हैं। बट उसने ऐसा नहीं किया। एज ही पास द मेयर्स ऑफिस, मेयर्स ऑफिस मतलब जो मेयर का ऑफिस आता था ना, पूरा एक शहर का मेयर होता था, ठीक है, एक एरिया का मेयर होता था, वहाँ के टाउन का एक मेयर होता था, तो वहाँ के मेयर के ऑफिस के सामने से वो गया, ठीक है। उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी एक बोर्ड के सामने। वो बोर्ड कौन सा था, वो एक ऐसा बोर्ड था जिस पे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ लगाई जाती थी, जनरली बुरी न्यूज़ लगाई जाती थी फॉर 2 ईयर्स, जनरली बैड न्यूज़ ही वहाँ पे आया करती थी, जैसे हम हार चुके हैं, ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन, अदर्स फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, तो ठीक है, ये सारी न्यूज़ बुरी बुरी खबरें आया करती थी। एंड आई थॉट विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन इट बी नाउ। तो वो रुका नहीं उस समय देखने के लिए कि आखिर न्यूज़ क्या देख रहे हैं लोग वहाँ पे, बस वो सोचने लगा कि अब ये क्या हो सकता है फिर, ठीक है। वो रुका नहीं उस समय क्योंकि वो लेट हो रहा था। आई रैन इन टू द स्कूल यार्ड विद ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यूजली। वो बहुत ही सांस उसकी फूल गई थी, तब भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भागे जा रहा था। स्कूल आने लगा, दिखने लगा, बिगनिंग होने लगी, ठीक है। जैसे ही स्कूल शुरू हुआ करता था ना, तो वहाँ पे ग्रे अरपर मतलब पूरा हड़बड़ी मच जाया करता था, जो पूरे मतलब गलियों में, जैसे यहाँ पे स्कूल है ना, और जैसे ही स्कूल शुरू हुआ करता था तो बहुत हड़बड़ी मच जाई जाती थी। इतनी हड़बड़ी कि ना, उसकी हड़बड़ी की आवाज़ें ना रोड पे भी सुनाई देने लग गया करती थी। डेस्क ओपनिंग, अब कैसी कैसी आवाज़ आते थे, डेस्क को खोलना, बंद करना, ठीक है। लेसन्स बच्चे क्या रिपीट करते थे या रिवाइज करते थे उस समय क्लास में बैठ के। आई काउंटेड ऑन ऑल द नॉइज टू रीच माई बेंच। उसने सोचा था ना कि मैं इस शोर शराबे के बीच में ही अपनी बेंच तक पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा। बट एज इट हैपेंड, ऐसा हुआ कि ना उस दिन सब लोग बहुत शांत थे, ऐसा लग रहा था ना कि उस दिन संडे है। थ्रू द ओपन विंडो आई सॉ माई कॉमरेड्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो वो अपने क्लासमेट्स को देखता है, विंडो से देखता है कि वो तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। और मिश्यो भी अपने, मिश्यो हैमल, एम हैमल बोलते हैं, चलो उन्हें मिश्यो हैमल भी मतलब अपनी जगह पे वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वॉकिंग कर रहे हैं विद द टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज चिन। आयरन रूलर मतलब आयरन का स्केल लेकर अपने आर्म के
अंडर, ठीक है, अंडर दबा के आई हैड टू ओपन द डोर एंड एंटर। तो उस समय ना उसको डोर खोल के अंदर आने लगा और उसको बहुत शर्म शर्म आने लगी क्योंकि बहुत साइलेंस थी और उसे बहुत डर लग रहा था, शर्म आने लगी और वो डर भी रहा था, प्लस शर्म भी आ रही थी उसे, वो डर भी रहा था। बट मिश्योर हैमल, एम हैमल ने उन्हें कुछ नहीं बोला, उसे स्माइल, ठीक है, वो उसके सामने बस उसे देखने लगे, ठीक है, और उन्हें कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा था, उन्होंने जस्ट बोल दिया कि चलो जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो माई लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, वो बोलता है कि फ्रेंड्स तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, वी वर गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो वो गया जल्दी से अपने बेंच पे जाके बैठ गया एट वंस, ठीक है। नाउ अंटिल देन व्हेन आई हैड पार्टली रिकवर्ड फ्रॉम माई फ्लाइट, अब वो उसने देखा कि जब ना उन्हें कोई गुस्सा वुस्सा आ नहीं रहा है, किसको, एम हैमिल को, ठीक है, कोई गुस्सा नहीं आया, मैं वो लेट भी हुआ तो फिर उसका जो डर था ना, फ्राइट जो थी उसकी डर, वो थोड़ी कम हो गई थी। आई डिड आई नोटिस दैट आवर टीचर हैज़ ऑन द हैंडसम ब्लू कोट हिज प्लेटेड, ठीक है, प्लेटेड रफ एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडर ब्रीचेस। तो वो देखते हैं ना कि उसके जो टीचर होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन के आया होता है, लग रहा है किसी मतलब बिजनेस जैसी ड्रेस है, कोई अच्छा सा कोट डाल के आते हैं वो, ठीक है, और ब्लैक एम्ब्रॉयड ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ वो क्या ब्रीचेस पहन के आते हैं, ट्राउज़र पहन के आते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मल ट्राउज़र एक तरह से यूज़ होता है, विच ही वोर ऑन डेज इंस्पेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। तो वो स्पेशल ड्रेस पहन के आए थे उस दिन, वो कब पहना करते थे वो ड्रेस, जनरली तब पहना करते थे जब कोई इंस्पेक्शन होने वाला था, जब कोई चेकिंग होने वाली थी स्कूल में, या फिर जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। मोर ओवर देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ तो वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, समथिंग सोलेम अबाउट द होल क्लास, बट वॉट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी। तो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ किया था ना पोएट को उस रूम में, वो था ना कि लास्ट बेंच हमेशा खाली रहा करती थी उसकी क्लास की, पर आज कुछ गांव वाले ना उस बेंच पे आके चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। तो कौन कौन था, ओल्ड हॉसर था, अपने तीन कंसर्न्ड हैट और एक्स मेयर मतलब एक्स मतलब कि पुराना, ठीक है, पुराना, अभी तो नया मेयर है, इससे पहले जो मेयर था एक्स मेयर, एक्स पोस्टमैन और दूसरे लोग बिसाइड्स, दे ऑल सीम डिप्रेस्ड, वो सारे लोग ना डिप्रेशन जैसे दिख रहे थे, बहुत दुखी 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 दुखी, ठीक है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड स्पेलिंग बुक, एक पुरानी स्पेलिंग की बुक लाया था विद नॉट एजेस, और उसके एजेस कैसे थे, एकदम खराब खराब छिले छिले एजेस थे, काले काले, विच ही हेल्ड वाइड ओपन इन हिज नी, जिस और वो गंदे गंदे किनारों वाली किताब को वो अपने नी पर खोलता है विद अ ग्रेट स्पेक्टिकल्स एश क्यू, ठीक है, और उसके स्पेक्टिकल उसके चश्मे भी उसी बुक पे रखे रहते हैं। एम हैमल देन माउंटेड हिज प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो गए और बोलने लगे, मेरे बच्चों यह आखिरी टाइम है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि अब हम वो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस जर्मन पढ़ाएंगे स्कूल्स में ऑफ एलसेस एंड लॉरेन, ठीक है, द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, नया टीचर कल तक आ जाएगा। तो ये आखिरी क्लास है किस चीज़ की, फ्रेंच की। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत ही सीरियस होके पढ़ो। फिर पोएट क्या बोलता है, वो सारे दुष्ट लोग, उन्होंने यही लगाया होगा मेयर के ऑफिस के बोर्ड पे, मेरी ये आखिरी क्लास है फ्रेंच में, मुझे तो बस इसे अभी थोड़ा सा लिखना ही आया था और ये क्लास ख़त्म हो रही है, मैं इसे कभी याद भी नहीं कर पाया, मतलब वो बहुत ही घबरा गया था। हाउ एंग्री आई वॉज विद माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द टाइम आई हैव वेस्टेड, वो सोचने लगा कि अब मैं इसे और नहीं पढ़ पाऊँगा, मैंने अपना पिछला टाइम वेस्ट कर लिया, वो बहुत गुस्सा हो गया अपने आप से कि उसने अपना पिछला टाइम क्यों वेस्ट किया, ठीक है, और उसने अपने लेसन क्यों मिस किए फ्रेंच के। माई बुक्स विच वेर ओनली अ मोमेंट बिफोर आई थॉट सो टायरसम, ठीक है, वो ऐसे मतलब ऐसे टायरसम वो फर्स्ट टाइम अपनी बुक्स के प्रति हो रहा था,
सो हैवी टू कैरी। अब उसे ना पहले अपनी किताबें क्या उसे अपने पहले किताबें ना बहुत भारी लगा करती थी, अपना पूरा बैग भारी लगा करता था। उसे लगता था ना फ्रेंच भाषा एक बोझ है उसके लिए। ठीक है, अनसीम टू मी नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसे क्या लगने लगा, जो किताबें उसको बोझ लगा करती थी फ्रेंच की, अब वो उसे अपने पुराने दोस्त की तरह लगने लगी जिससे वो बहुत ही अटैच था। एंड इट वॉज सेम अबाउट एम हैमल, और वही सेम चीज़ एम हैमल को भी फील हो रही थी। क्या बता, द थॉट दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट द पनिशमेंट्स, द ब्लोज ऑफ विद रूलर। ठीक है, अब वो उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि कल वो चले जाएंगे, वो एम हैमल, और नया टीचर आएगा। तो वो भी पोएट को बहुत बुरा लगा, वो बोलने लगा कि ये तो मुझे शॉक कर देता है, मतलब मुझे पता है कि वो मुझे पनिशमेंट देते हैं तो, पर वो उस समय पनिशमेंट और जो वो उस स्केल से उसे अब ब्लो मतलब हल्का 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 मार दिया करते थे हाथों में, वो सब भूल के उनको बारे में सोचने लगा कि पुअर मैन, बेचारे टीचर, ये बहुत ही ऑनर करके लेसन पढ़ाया करते थे और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी करते थे। संडे क्लोथ्सन आए अंडरस्टूड ना वाई दोज पीपल द विलेज वर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रूम। तो अब वो संडे, ये उन्होंने संडे का लाइक ऐसे मतलब स्टाइलिश क्लोथ्स क्यों पहने थे और क्लास के अंत में विलेजर्स ऐसे क्यों बैठे हुए थे, तो उसे ना सब समझ आने लगा धीरे धीरे। सीम टू मीन, ऐसा लग रहा था ना कि वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत दुख मना रहे हैं कि ना स्कूल से वो जा रहे हैं, और अपने वो टीचर को थैंक यू बोलने, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक पढ़ाया है हमें फेथफुल तरीके से। ठीक है, तो उसको उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब यहाँ पे आए हैं। आई वॉज एट द पॉइंट इन माई रिफ्लेक्शन वेन आई हेयर्ड माई नेम कॉल। अब अचानक से उसका नाम बुलाने लगे। ठीक है, अब क्यों बुलाने लगे, क्योंकि उसका टर्न था रिसाइट करने का, जो भी पढ़ाया है उसे वापस रिवाइज करने का। वॉट आई वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड फेमस रूल अबाउट द पार्टिसिपल्स इन अ लाउड डिस्टिंक्ट वॉइस विदाउट अ स्लिप, बट आई गॉट मिक्स अप विद द फर्स्ट वर्ड्स एंड आई स्टूड देयर स्विंग अगेंस्ट माई बेंच विद द फुल हर्ट एफ्रेड टू रेस माई हेड। ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि अब उसकी बारी थी रिसाइट करने की, वो सोचने लगा मन में कि आज तो मैं अच्छे से रिसाइट करूँगा, एकदम एक भी गलती नहीं करूँगा, शुरुआत से लेकर एंड तक फाड़ के रख दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो सोचने लगा कि एक भी गलती नहीं होगी मुझसे, पर क्या हुआ फिर बाद में कि पढ़ने लगा और शुरुआत के ही कुछ वर्ड्स में उसका तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, और वो पहले ही मिक्सअप हो गया उन बेंचेस से, और वो अब बहुत डर के अपनी बेंच पकड़ के, अपने दिल उसका ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, वो बहुत डर रहा था और उसे अपना सर उठाने में भी बहुत ही डर लग रहा था। तो फिर अब वो क्या, उसने एम हेमल सर को बोला, क्या बोल रहे थे वो सर, स्पीक कर रहे थे उससे कि मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, माई लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट बी पनिश्ड इनफ, तुम्हें तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दे दी है, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। दिस इज़ द वे इट गोज़ एवरी डे, एवरी डे मतलब हर दिन वो उसे पनिशमेंट दिया करते थे, मतलब दिस इज़ वॉट वी गो एवरी डे, मतलब हर दिन वो उसे। तो उसके एम हैमल सर बोलने लगते हैं कि यही तो काम है, हम लोग हमेशा सोचा करते हैं कि हम कर देंगे अगले दिन, कर देंगे अगले दिन, कर देंगे, पर शाह हमें तो इतना टाइम ही नहीं है, हम उसे करते ही नहीं, वो कभी टाइम आता ही नहीं कि हम उसे अगले दिन याद करें। एंड देन यू सी वॉट हैपन्स, यू क्लेम टू बी फ्रेंच एंड यू नीदर स्पीक नॉर योर लैंग्वेज। तो फिर अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे कि कल याद करेंगे कल याद करेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम अपने आप को एक फ्रेंच इंसान कहलाते हो जबकि तुम्हें फ्रेंच लिखना या बोलना भी नहीं आता, कैसे। ठीक है, इन ऑल दिस माई पुअर फ्रेंड्स, मेरे बेचारे बच्चे, यू आर नॉट गिल्टीएस्ट वन, तुम ही बस एक अकेले ऐसे नहीं हो जो ऐसा सोचता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑफ री अप्रोचेस टू एड्रेस टू आवर सेल्फ्स।
योर पेरेंट्स हैव नॉट बीन केयरफुल इनफ टू सी, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इतना सोचते नहीं थे तुम्हारे बारे में कि तुम्हें एजुकेट किया जाए। वो सोचा करते थे कि तुम्हें तो हम खेतों में भेजेंगे या फैक्ट्री में काम कराएंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़े और पैसे ले सकें। एंड हैव आई नथिंग टू री अप्रोच माई सेल्फ फॉर, ठीक है, और मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें ना ये सब पढ़ाना चाहा। एंड व्हेन आई वांटेड टू फिनिश आवर टॉर आई हैव नेवर हेजिटेटेड टू डिसमिस यू। और इसलिए जैसे ही हम कभी भी अपना चैप्टर पढ़ते थे ना, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें मिस कर दूंगा, तुमसे भी मैं वो पढ़वाता था। द पासिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पास कर रहे थे, ठीक है। एम हैमल क्या बातें करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज में, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलने लगे कि फ्रेंच सबसे सुंदर लैंग्वेज है दुनिया की, और हम सबको इसको अपने अंदर ही अंदर बचा के रखना चाहिए, रिटेन करके संभाल के बचा के रखना चाहिए, और कभी इसे भूलना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज जब वेन अ पीपल फॉल्स इन टू सर्विट्यूड सो लॉन्ग एज इट क्लिंग्स टू इट्स लैंग्वेज इफ इट इज़ द हेल्ड ऑफ की टू इट्स प्रिजन। तो मतलब जब तक किसी इंसान की लैंग्वेज उसके पास रहेगी, वो अपनी लैंग्वेज में डूबा रहेगा, तब तक तो जिस पिंजरे में वो बंद है उसकी चाबी उसके पास ही रहेगी, ठीक है। तो लैंग्वेज एक तरह से उस पिंजरे की चाबी है, जो आप अगर जो लैंग्वेज आपको आती है तो उस लैंग्वेज आपके पिंजरे की चाबी है वो लैंग्वेज। व्हेन द लेसन्स, जब लेसन ख़त्म हो गए तो हम लिखने का काम आया, ठीक है। तो सब लोग देख रहे थे कि ना सारे, मैं देख रहा था कि सारे लोग कितना हार्ड वर्किंग कर रहे थे, और पूरा शांति थी, नथिंग कुड बी हर्ट, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था ना, सेव द ग्राइंडिंग ऑफ पेंस ऑन पेपर, और पेंस का आवाज़ आ रहा था बस। ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल हाउस पिजन कुक्ड लो टोन्स, आई सेड टू माई सेल्फ, आई लिसन टू डैम, आई वंडर इफ दे आर ऑल्सो टू कंपेयर देम टू सिंग इन जर्मन टू। अब क्या पिजन्स को उसने देखा ऊपर रूफ पे, ठीक है, वो सोचने लगा कि कहीं इन पिजन्स को भी तो जर्मनी में गाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई रेस माई आइज फ्रॉम पेपर, जब भी मैं पेपर से अपनी आँखें उठाता था मैंने एम हैमल को देखा, बैठे रहते थे वो कैसे, सिटिंग इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे बैठे रहते थे, कभी एक चीज़ को देखते थे कभी दूसरी चीज़ को। आई विश टू कैरी अवे एट हिज ग्लैंस द होल लिटिल स्कूल हाउस, वॉट अ हर्ट रेंडिंग थिंग इट मस्ट हैव बीन फॉर पुअर मैन टू लीव ऑल दोज थिंग्स, इन डीड टू लीव द प्रोविंस फॉर एवर। वो सोचने लगा कि आखिर एक बेचारे इंसान को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है, पूरा स्कूल पूरा देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, कितना बुरा हो सकता है ये उसके लिए। However, he had to courage to keep his class at end. उनके पास इतनी हिम्मत तो थी मिस एम हैमल के पास कि वो अपनी क्लास अच्छे से ख़त्म कर सके, ठीक है। तो क्लासरूम के बैक में ना ओल्ड हॉसर उनके चश्मे रख रही थी, और स्पेलिंग बुक भी रख रही थी। हाँ, तो वो सब देख रहे थे कि ना कि वो सब बहुत ही दुखी लग रहे थे। हिज वॉइस शुक विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी लॉन्ग्ड टू लाफ एंड टू क्राई, आई शैल रिमेंबर द लास्ट क्लास। तो वहाँ पे ना वो पढ़ाई कर रहे थे, स्पेलिंग बुक को पढ़ रहे थे ना ओल्ड हाउस, और उनकी आवाज़ ना बहुत दुखी लग रही थी और बहुत अटकी अटकी लग रही थी। उनकी आवाज़ सुन के हंसी भी आ रही थी और बहुत ही रोना टाइप भी हो रहा था। फिर वो बोलता है आई शैल रिमेंबर द लास्ट क्लास, मुझे बहुत ही ज़्यादा या लास्ट क्लास की याद आ रही है। सडनली जो चर्च की क्लॉक थी ना वो 12 पर आ गई, टाइम ख़त्म हो चुका था, ठीक है। ब्लजेस ऑफ पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल ब्रेड अंडर आवर विंडोज, ठीक है, वो जो पूरे प्रशियंस के जो सोल्जर जो भी ब्लजर्स थे ना वो अपने ट्रेनिंग के बाद रिटर्न कर रहे थे। एम हैमल ने मतलब बहुत ही दुखी से अपने चेयर से उठ के, वो इतने दुखी कभी नहीं दिखे, मतलब वो इतने दुखी और इतने लंबे मुझे कभी नहीं लगे जैसे ही वो उठे। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों,
उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स आए ऐसे करके, मतलब वो बोल नहीं पाए पूरा, बट उन्होंने ना उस उनको लग रहा था सांस ही नहीं आ रही है, तो उन्होंने अपना फिनिश अपना सेंटेंस तो पूरा नहीं फिनिश कर पाए वो, पर उन्होंने ना बोर्ड पे कुछ लिखा, देयर अपॉन उन्होंने बोर्ड पे कुछ लिखा चौक से, एक छोटा सा पीस लिया चौक का उससे लिखा, और उन्होंने क्या लिखा लार्ज लेटर्स में लिखा विवेला फ्रेंड्स। देन ही स्टूड देयर एंड हिज हेड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, उनका हेड जो है दीवार के अगेंस्ट रेस्ट करने लगा ऐसा, मतलब सर दीवार के सहारे कर लिया उन्होंने बिना कुछ बोले। ही मोशन टू अस विद हिज हैंड्स दैट इज ऑल गो, कुछ बिना बोले वो बोलने लगे कि चलो क्लास ख़त्म हो गई है, हाथ से इशारा करके बोला कि तुम लोग घर जा सकते हो। विवेला फ्रेंड्स का मतलब है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जिंदाबाद। सो दिस वॉज ऑल, इसके क्वेश्चन आंसर्स में जल्दी डाल दूंगी, एक्सरसाइजेस भी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।